Again, welcome back to our channel. So right now I am standing in front of Alagoa Resort. तो यहाँ पे हम लोग का 4 days का booking है and this is one of the best place to stay at Goa. ये सामने वाला रास्ता आपको बेतालबतीम बीच ले जाएगी. तो मेरे just right में ही parking lot है. Parking lot काफ़ी spacious है और हमेशा security भी रहती है. फिलहाल तो अभी हम लोग रिसॉर्ट के अंदर जा रहे हैं एंड आपको रूम का टूर देंगे. सो वेलकम टू अलागोआ. और ये सामने छोटा सा लॉन है और राइट में ही है रिसेप्शन एरिया. सो स्टार्टिंग विद द चेक इन प्रोसेस, इट वॉज क्विक एंड हैसल फ्री एंड वी हैव बुक दिस रिसॉर्ट फ्रॉम मेक माई ट्रिप. तो इस प्रॉपर्टी का जो लोकेशन है यहाँ से बेतालबतीम बीच जस्ट 5 मिनट्स के डिस्टेंस पे ही है. सो ये है हम लोग का रूम फर्स्ट फ्लोर पे. ये डोर है बाहर जाने का और रूम का लाइटिंग कंडीशंस काफ़ी कोजी एंड कंफर्टेबल है. ज़्यादा ब्राइट लाइट नहीं है और यहाँ पे एक बेड है. सो बेडशीट्स और टॉवल्स जो भी है वो अच्छे से वॉश किए हुए हैं, पूरा साफ है. सो दे हैव प्रोवाइडेड हियर कॉम्प्लीमेंट्री बिस्लरी बॉटल्स. सो बेड के पास ही ये बेड टेबल है और यहाँ पे सारे रिमोट है एसी के, टीवी के एंड नीचे ही है ड्रॉयर. यहाँ पे आप लोग अपना सारा स्टफ्स रख सकते हो. रूम का लाइटिंग कंडीशंस, फिर कलर कॉन्ट्रास्ट, मतलब जो वॉल्स का कलर है वो सब मिला के मुझे ये रूम बहुत अच्छा लगा. एंड बेड के सामने ही है वो मिरर और पास में ही वॉशरूम है. ये कैबिनेट टाइप का है सारा सामान रखने के लिए. और सामने है हम लोग के रूम का टीवी जो कि हार्डली यूज़ होने वाला है क्योंकि हम लोग सारा दिन घूमने वाले हैं. एंड ये वो कैबिनेट है जहाँ पे आप लोग अपना सारा स्टफ्स, जितना भी सामान है यहाँ पे रख सकते हो. काफ़ी स्पेशियस है. तो यहाँ पे एसी है जो कि फुल वर्किंग कंडीशन में है और सामने एक है छोटा सा सिटिंग एरिया टाइप का. तो यहाँ पे सिंपल चेयर्स और टेबल का जस्ट अरेंजमेंट है. और इधर है एक बड़ा सा विंडो. चलिए आपको बाहर का व्यू दिखाते हैं. सो व्यू ठीक ठाक है, कुछ खास नहीं है, लेकिन दूर बीच दिख रहा है. पता नहीं कैमरा में कितना कैप्चर हुआ है. सो गाइस, इस रिसॉर्ट का प्लस पॉइंट यही है कि यहाँ से बेतालबतीम बीच जस्ट 5 मिनट का रास्ता है. एंड अगर आप लोग ये रिसॉर्ट बुक करते हो देन आप लोग नॉर्थ और साउथ गोवा दोनों को अच्छे से एक्सप्लोर कर पाओगे बिकॉज ये पूरा मिडल में है गोवा के. सो ये है वॉशरूम एंड लैच बहुत टाइट है. एंड वॉशरूम ठीक ठाक है, काफ़ी स्पेशियस है एंड यस डेफिनेटली क्लीन है, काम चलाने लायक है. और यहाँ पे उन लोगों ने कुछ प्रोवाइड किया है, शैम्पू, जेल एंड सोप. तो ये है शावर जेल, 2 शावर जेल प्रोवाइड किए हैं. एंड उसके बाद ये ग्रीन बॉटल है शैम्पू का. तो 2 शावर जेल है और 2 शैम्पू का बॉटल है. और ये है सोप. ये खुद का इन लोग का अलागोआ का ही सब कुछ है. और इन लोग का रूम सर्विस भी काफ़ी क्विक है. अगर आपको कुछ चाहिए तो लगभग 5 मिनट में ये लोग दे देते हैं. और गीजर्स भी लगे हुए हैं वॉशरूम में, तो गर्म पानी अगर आपको चाहिए तो डेफिनेटली यू विल गेट इट.
तो सिटिंग एरिया के जस्ट ऑपोजिट में ये टेबल टाइप का बना है एंड यहाँ पे सारे बॉटल्स, मतलब जो भी सामान आप लोग को अगर चाहिए तो ये सब आपको पे करके लेना होगा। और ये है मिनी बार, यहाँ पे सारी चीज़ें आपको पे करना होगा जो भी यूज़ करना है यहाँ से। और यहाँ पे है इलेक्ट्रिक केटली, इसमें सिर्फ लिखा है कि हॉट वाटर ही बनाना है और कुछ नहीं। और यहाँ पे है सुबह शाम चाय कॉफ़ी का अरेंजमेंट, ये है एवरीडे का मिल्क पाउडर, फिर उसके बाद उन लोगों ने दिया है शुगर और है टी बैग्स एंड कॉफ़ी। तो चाय कॉफ़ी तो कॉम्प्लीमेंट्री है और चिप्स, कैश्यू नट्स वो सब आपको पे करके लेना है। और यहाँ पे है अलावा रिसॉर्ट का सारे पॉलिसीज, ब्रेकफास्ट का टाइमिंग्स, इवन पूल का टाइमिंग सब कुछ लिखा है। इस रिसॉर्ट के साथ आपको स्पा भी मिलता है प्लस स्विमिंग पूल का भी फैसिलिटी है, वो सब भी आपको दिखाएंगे। फैन और एसी दोनों का फैसिलिटी है प्लस इसका सीलिंग है कॉटेज शेप के जैसा। सो गाइज, इस रिसॉर्ट पे आपको इको हट्स, क्लासिक रूम और डीलक्स रूम की फैसिलिटी मिलेगी। सो इस रिसॉर्ट के साथ रेस्टोरेंट भी है। तो ये है मेन्यू कार्ड, चलिए आपको दिखाते हैं। तो अगर आपको रूम सर्विस चाहिए तो खाने पे 10% सर्विस चार्जेस एप्लीकेबल है। तो यहाँ पे वाइन्स है, मॉकटेल्स है, फिर है बेवरेजेस, सूप, एपिटाइजर, सैलड, फिर आता है कॉन्टिनेंटल मेन कोर्स जो मेरा फेवरेट सेक्शन है। देन आपको पास्ता मिलेगा फ्रॉम द क्ले ओवन, तंदूर मिलेगा, इंडियन मेन कोर्स भी है एंड इंडियन ब्रेड, फिर है ओरिएंटल स्पेशलिटीज, फिर मेन कोर्स में नूडल्स और फ्राइड राइस मिलेगा, फिर है डेजर्ट एंड सैंडविच। रूम से बाहर निकलते ही एक छोटा सा टेरेस टाइप का है और यहाँ पे बहुत ठंडी ठंडी हवा चलती है तो आप लोग काफ़ी एंजॉय करोगे यहाँ पे। सो इस पूरे रूम का प्राइस पड़ा है 1500 रुपीज़ पर नाइट। सो गाइज, अब बारी आती है इस रिसॉर्ट के स्विमिंग पूल और कॉटेज दिखाने की। सो बेसिकली यहाँ पे एक शॉप है जेम्स और ज्वेलरी का और वो सामने है स्विमिंग पूल और मेरे लेफ्ट में ही सारे कॉटेजेस हैं। अगर आप लोग चाहो तो इन इको हट्स में भी स्टे कर सकते हो। तो अभी हम लोग आए हैं इस रिसॉर्ट के रेस्टोरेंट में आइसक्रीम ट्राई करने के लिए। इस रेस्टोरेंट पे आप लोग अपना खाना लाइव म्यूजिक के साथ एंजॉय कर सकते हो। सो गाइस, मैं ये रिसॉर्ट डेफिनेटली रिकमेंड करूंगी बिकॉज मुझे यहाँ के सारे फैसिलिटीज अच्छे लगे प्लस ये बजट फ्रेंडली भी है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। टाटा, बाय बाय।